अंडरकवर मार्केटिंग। अंडरकवर मार्केटिंग क्या होती है यार? मतलब ऐसी मार्केटिंग जो कि फ्रंट फुट पे ना खेला जाए, मतलब आपने मार्केटिंग भी कर दी और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। मतलब मार्केटिंग का कॉल टू एक्शन जाता है, मार्केटिंग का मैसेज जाता है, लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता चलता कि ये मार्केटिंग थी। समझ रहे, बोलते ना अंडरकवर एजेंट है। वैसे ही क्या आप अपने बिजनेस में कोई ऐसा मैसेज दे सकते हो, कोई ऐसी मार्केटिंग के जरिए मैसेज क्रिएट कर सकते हो जो कि कस्टमर को ये ना लगे कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप उसको छुपे तरीके से, छुपे तौर तरीके से एक मैसेज दे रहे हो, एक मार्केटिंग कर रहे हो। अब ये कैसे होता है, क्या है इसका प्रोसेस, बहुत क्लियर आपको दो तीन फटाफट एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आए अंडरकवर मार्केटिंग क्या होती है। मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये गाना एक्चुअली वो जो झंडू बाम होता है एक प्रोडक्ट है जो की सर दर्द वगैरह के लिए यूज किया जाता है, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। और इस गाने में ये क्लियर मार्केटिंग का मैसेज था, मतलब झंडू बाम का ये एड था एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ऐसे मैसेजेस, मतलब झंडू बाम का उसमें बार बार प्रमोशन किया गया। जितनी बार गानों के बोल में ये वर्ड रिपीट किया गया उतनी बार झंडू बाम का इसमें मार्केटिंग किया जा रहा था। तो झंडू बाम ने इसके साथ एक कोलैबोरेशन किया हुआ था इस गाने के साथ, इस मूवी के साथ, जहां पे इसका एड किया गया। इस मूवी में सिर्फ इस गाने के साथ नहीं टाई अप किया गया, एक बहुत फेमस गाना और भी है, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले फेविकॉल से, ये फेविकॉल का एड था। मतलब डायरेक्ट इस गाने में कहीं ना कहीं फेविकॉल ने अपना प्रमोशन करवाया था, अपना फेविकॉल ने नाम क्रिएट करवाया था जिससे वो अंडरकवर मार्केटिंग कर सका। गाना जितना वायरल हुआ उतनी बढ़िया उसकी मार्केटिंग वैल्यूज बढ़ गई, उतनी बढ़िया उस प्रोडक्ट को बूस्ट मिल गया और उसकी बाइंग प्रोसेस बढ़ गई। तो ऐसे बहुत सारे टीवी एड्स या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, कोई मिल गया मूवी, कोई मिल गया बोलू या फिर क्रिश, इसमें आप देखोगे तो बॉर्नविटा का जबरदस्त एड हुआ है। मतलब क्रिश भी बॉर्नविटा यूज किया हुआ है और वो कोई मिल गया मूवी में जो जादू से मिलने से पहले वो भी बॉर्नविटा पीता हूं, तो बॉर्नविटा का बहुत ज्यादा इसमें ऐड किया गया। अब ये अंडरकवर मार्केटिंग होती है, मतलब कि डायरेक्ट आप अपने प्रोडक्ट को सामने प्रेजेंट नहीं करते, डायरेक्ट आप अपने प्रोडक्ट को सामने रखते नहीं है, इसमें अंडरकवर मार्केटिंग हो जाते है। एक मूवी आई थी चुप चुप के, वो जिसमें शाहिद कपूर ने मतलब गूंगे का रोल किया हुआ था, उसमें वो कपड़े धोते रहता है, जब वो आरी से रोटी काटने वाला सीन होता है वहां पे देखिएगा टाइट का बहुत ही सॉलिड एड किया गया, टाइट वो जो निर्मा होता है। तो ऐसे बहुत सारे शॉट्स है, एक माउंटेन ड्यू का एड किया गया दम मूवी में, बहुत बार माउंटेन ड्यू को ड्रिंक किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे मूवीज में, ऐसे बहुत सारे एड शॉट्स में ऐसी मार्केटिंग की चीजें यूज की जाती है जिनके जरिए अंडरकवर, मतलब डायरेक्ट क्लियर मैसेज नहीं देता कस्टमर को, डायरेक्ट क्लियर सजेशन नहीं दिया जाता कस्टमर को, लेकिन वो मूवी के साथ साथ, एड के साथ साथ, वीडियो के साथ साथ, ग्राफिक्स के साथ साथ उसको मर्ज कर देते हैं और सामने वाले को एक मैसेज मिल जाता है कि तब ये प्रोडक्ट यूज करना है, या फिर ये प्रोडक्ट, अच्छा ये प्रोडक्ट का नाम सुना है, ये प्रोडक्ट, इसको ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब बार बार उसका नाम जब आप सुनते हो वायरल हो जाता है वो चीजें बहुत ज्यादा चलने लगती है, ट्रेंडिंग में आ जाती है, तो वो इसी पार्ट में आती है बिकॉज अंडरकवर मार्केटिंग, राइट। बॉर्नविटा पीता हूं मैं, देखा ही होगा, तो कोई मिल गया या फिर ऋतिक रोशन का ये जो मूवी था उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा बॉर्नविटा को प्रमोट किया हुआ था। ऐसे बहुत सारे मूवीज में होता है कि अलग अलग ब्रांड के बारे में बोलते हैं या बात करते हैं, या तो वो सब आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी ब्रांड के बारे में अपने किसी वीडियो, अपने किसी मूवी में बोलो, राइट। आप तब बोलते हो जब आपको परमिशन मिलता है या फिर जब आपको उसके लिए पेमेंट दिया जाता है, ताकि अगर वो मूवी हिट हुई या फिर अगर वो मूवी या का सॉन्ग चल गया तो वो ब्रांड वायरल हो जाता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो ब्रांड वायरल हो जाए, राइट। तो दैट इज योर अंडरकवर।